Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. Today we will discuss next part of physical features of Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान के physical features का next part को हम discuss करेंगे. First of all, we will see that in how many areas Pakistan is divided on the basis of physical features. In terms of physical features, Pakistan is divided into three major areas, and these areas are mountain ranges, plain areas and plateaus. वी आर डिस्कसिंग माउंटेन रेंजेस. ठीक है, इन दो को हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग माउंटेन रेंजेस. इसका हमने माउंटेन रेंजेस के कुछ पार्ट को हमने कल डिस्कस किया था, कुछ को हम आज डिस्कस करेंगे. माउंटेन जो पाकिस्तान में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से है. नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. In previous lecture we have discussed northern mountain ranges and today we will discuss these two. Okay, let's start our lecture properly. Northwestern mountain ranges. Northwestern mountain ranges में हिंदू कश रेंज आती है. ठीक है, जो हिंदू कश रेंज है, this range is located in the north of Pakistan and it is stretching from north to west. ठीक है, ये north से west तक फैली हुई है. एंड द मोस्टली एरिया ऑफ दिस रेंज ऑफ हिंदू कश रेंज इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड तिरचमीर इज द हाईएस्ट पीक. ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज एंड द हाइट ऑफ दिस पीक इज 7690 मीटर्स. ठीक है, एंड द चित्राल, सवाट एंड धेर आर द फेमस वैलीज, आर द ब्यूटिफुल वैलीज ऑफ हिंदू कश रेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. This range is located in the north of Pakistan and it is stretching from north to south and the mostly area of this range is located in Afghanistan and the Tirchmir is the highest peak which is 7690 meters high and Chitral, Swat and these are the beautiful valleys of this range. Okay students, next hai western mountain range. Western mountain range mein jo ranges aati hain wo kaun kaun si hain, isme hai Koh-e Sufed, वजीरिस्तान हिल्स, कोहे सुलेमान, कीथर हिल्स एंड साल्ट रेंज. ये फाइव हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आज हम इन सबको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपके लिए याद करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा या ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. आज हम इन जस्ट इन टू को डिस्कस करेंगे. इन थ्री को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इन दो को डिस्कस करते हैं. कोहे सफ़ेद, द एवरेज हाइट ऑफ कोहे सफ़ेद इज 3600 मीटर्स. ठीक है, इसकी एवरेज हाइट है. एंड द खैबर पास इज लोकेटेड इज इन द नॉर्थ ऑफ कोहे सफ़ेद. कोहे सफ़ेद के नॉर्थ में खैबर पास वाक़ है एंड विच इज़ द हिस्टोरिक हाईवे. ठीक है, खैबर पास इज़ द हिस्टोरिक हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड खैबर पास इज एंड द लेंथ ऑफ खैबर पास इज 53 किलोमीटर. ठीक है, कि जो खैबर पास है या जो हिस्टोरिक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है, ये कोहे सफ़ेद में वाक़ है. और ठीक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है और इसकी लेंथ 53 किलोमीटर है. ये आपसे पूछा जा सकता है एज एमसीक्यूज, इसकी लेंथ पूछी जा सकती है, ये कहाँ पे लोकेट है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपसे एज एमसीक्यूज भी पूछी जा सकती हैं. सो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना होता है. एंड द रिवर कुरम इज़ द इन द साउथ. ठीक है, इसके साउथ में जो रिवर वाक़ है वो रिवर कुरम है. ठीक है स्टूडेंट्स, कोहे सफ़ेद था कोहे सफ़ेद. नेक्स्ट है वजीरिस्तान हिल्स. ठीक है, माउंटेन्स ऑफ कोहाट एंड वजीरिस्तान आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कोहे सफ़ेद. कोहाट एंड वजीरिस्तान के जो माउंटेन्स हैं वो कोहे सफ़ेद के साउथ में वाक़ हैं. एंड द खुरम, टोची एंड गोमल आर इम्पोर्टेंट पासिस, दीज आर द इम्पोर्टेंट पासिस ऑफ वजीरिस्तान हिल्स. एंड द रिवर ऑफ दिस एंड द इम्पोर्टेंट रिवर इज़ रिवर टोची. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द ट्रेल बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो वजीरिस्तान हिल्स की जो ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो ट्रेड है इनकी ब्यूटीफुल वैलीज़ के थ्रू होती है, वहाँ से ब्यूटीफुल वैलीज़ में जो पासिस हैं उनके थ्रू होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मीन्स द वैलीज ऑफ दीज रिवर्स आर इम्पोर्टेंट पासिस फॉर डिवेलपमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक. हमने जो
वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, हमने इन सबको डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाना था, आपके लिए याद करने भी डिफ़िकल्ट होना था। तो ये जितना आज हमने किया है इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। कीप इट इन माइंड, अभी तक हम माउंटेन रेंजेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, ये फिजिकल फीचर का फर्स्ट पॉइंट है, और जो नेक्स्ट प्लेन एरियाज और प्लेटोज हैं हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, कल तक हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम माउंटेन रेंजेस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।